हे कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेलीविजन आपको लेना है एंड क्या इन्फॉर्मेशन क्या एस्पेक्ट्स देखना है बिफोर बाइंग ए टेलीविजन। तो वो सारा चीज कवर कर लूंगा इस वीडियो में। आप फुल वीडियो को देखिए ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक जरूर क्लैरिटी मिलेगा कि यही टीवी आपको खरीदी करना है। एंड बिफोर इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है वॉशिंग मशीन के रिलेटेड। जी हाँ, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेना है या फिर टॉप लोड का लेना है वो डिटेल में विथ माय एक्सपीरियंस लगाकर उस वीडियो में बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई का इन्फॉर्मेशन का आइकन होगा, छोटा सा टैप कर दीजिए, वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एंड इवन डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करना है टीवी लेने से पहले। सबसे पहले आपको कंसिडर करना है रिफ्रेश रेट। तो टेलीविजन का रिफ्रेश रेट आजकल क्या हुआ है, इतना कंपटीशन चल रहा है कि सारा के सारा ब्रांड्स सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्स ज़्यादा बेच रहे हैं। एंड ये कंज्यूमर्स को ज़्यादा अवेयर नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हैं टेलीविजन लेने में। एंड वहाँ पर क्या होगा कि आपको 60 हर्ट्स वाला मिल जाएगा, 60 हर्ट्स लेकर आएंगे, लेकिन वो 60 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट वाला टीवी लेते हैं वो बिल्कुल ही इतना सेटिस्फेक्शन, इतना एंटरटेनमेंट आपको नहीं लगता है कंपेयर्ड टू 120 और इवन 100 हर्ट्ज का टीवी अगर लेंगे तो। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड बहुत सारे कंज्यूमर्स को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि कौन सा रिफ्रेश रेट, क्या रिफ्रेश रेट होता है, क्यों ऐसा लेना चाहिए। बस पैसा है, अभी टीवी चाहिए, कोई ना कोई बजट ले लेंगे आप, उस बजट में जाकर कौन सा मिलता है रेटिंग वाला अच्छा रहता है उसको देख के आप खरीदी कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, कुछ नहीं होगा। एक 5 to 10 मिनट्स अगर लगाकर आप कुछ टीवी के रिलेटेड क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है एंड बजट प्राइस में आपको कैसे टेक्नोलॉजी मिलता है, क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसे थोड़ा आप अगर रिसर्च करेंगे आपको बिल्कुल नॉलेज भी मिलेगा। एंड जब आप पैसा देकर टीवी लेकर आएंगे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लेके टीवी खरीदी किया है। तो ऐसे जाकर आप खरीदी कीजिएगा, ना कि किसी को पूछ आए रे बाजू घर में सोनी का लिया है तो हम भी सोनी का लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे मत सोचना। आप एक अच्छा सा मैच्योर वाला डिसीजन लेकर अच्छे टीवी लेकर आइए। तो अभी मैं बात कर रहा था रिफ्रेश रेट, तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्यों नहीं लेना है आप ये जानिए। यूजुअली हमारा आई का जो परसेप्शन रहता है, हम जो देखते हैं अराउंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का जो भी पिक्चर, जो भी इमेज आता है, वीडियो आप जो भी देखते हैं टीवी पर, वो यूजुअली स्मूथ ही दिखता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली क्या होता है कि कई सारे फ्रेम्स उसमें मिस हो जाते हैं 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में। तो ऐसे में आपको ब्लरी या फिर जिटरी इमेजेस मिलेगा जब भी आप कोई टेलीविजन पर फास्ट मूविंग वाला ऑब्जेक्ट्स या फिर फास्ट पेस्ड एक्शन मूवीज या फिर कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल कई सारे फ्रेम्स मिस कर देते हैं एंड इतना भी आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा कंपेयर टू 120 या फिर 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का टीवी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, आप शोरूम को जाइए, उस वहां पर आप पूछिए उस वेंडर को कि आपको दिखाए 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट का टेलीविजन एंड आप बाजू खड़े होकर दोनों कंपेयर कीजिए 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं इतना क्यों स्ट्रेस करके आपको वहीं खरीदी करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस देता है दोस्तों 120 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज या फिर इवन 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला। एंड इवन आपको आंखों को ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचाएगा एंड आपके आंखों को रिफ्रेश रेट अगर जितना ज़्यादा रहता है वो बहुत ही बढ़िया है एंड आपको इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर क्या कर दिया सारे मैन्युफैक्चरर, सारे ब्रांड्स अभी क्या ऑफर करते हैं, बिल्कुल 60 हर्ट्ज। तो अभी सारे के सारे टीवी 60 हर्ट्ज में बेच रहे हैं एंड बहुत कम हो चुका है 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज का, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता ही नहीं एंड वो क्या करते हैं, डिमांड कम है तो ऑब्वियसली बहुत ही कॉस्टली करके रख देते हैं टेलीविजन को। तो आपको सोच समझ कर जो भी आप टेलीविजन खरीदी करना चाह रहे हैं बिल्कुल 100 हर्ट्ज पर थोड़ा आप फोकस करके देखिए कि कौन सा बजट में आपको कैसा मिल रहा है टेलीविजन कितने इंच का। द सेकेंड पॉइंट जो है कि अभी LED LCD टीवी बोलते हैं इसको, क्योंकि LCD का पैनल होता है एंड वहां पर क्या होता है उस पैनल को जैसे LEDs डाल के लिट करते हैं वैसे उसके हिसाब से एज लिट LCD टीवी बोलते हैं या फिर बैक लिट, यानी कि
पूरा बैक में जो LEDs भरा रहता है, सामने जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD पैनल रहता है IPS का, इन प्लेन स्विचिंग जो कहते हैं, तो IPS पैनल में बिहाइंड, उसके बिहाइंड जो LED ग्लो होते हैं उसके थ्रू आपको एक बेटर एक्सपीरियंस, बेटर क्वालिटी, बेटर इमेज क्वालिटी का, अच्छा कलर रिप्रोडक्शन एंड शार्पनेस विथ बेटर कॉन्ट्रास्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप यूजुअली कंसिडर कीजिएगा बैक लिट LED LCD TVs, तो ऐसे आपको देखना है। एंड ज़्यादातर अभी LED विथ एज लिट आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा रिलायबिलिटी में वो इश्यू आ जाता है, क्योंकि बीच में फ्रेम में, क्योंकि वो लिट नहीं रहता है ठीक से, LEDs सिर्फ एज में रहते हैं, तो क्या होता है कि डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं ज़्यादा दिन के बाद। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए कि आपको बैक लिट LED LCD TV ही लेना है। एंड उसके बाद आपको देखना है पोर्ट्स, तो कैसे कितने पोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फुल HD TV ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एटलीस्ट एक 2 to 3 पोर्ट्स होना ही है HDMI का। एंड HDMI में भी वर्शन आता है 1.2, 1.4, अगर 1.4 का लेटेस्ट जो है वो अगर आप लेंगे तो आप बिल्कुल क्वालिटी वाला स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड इवन आपके कैमरा या फिर कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन अपस्केलिंग विथ अपस्केलिंग आपको मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छा रहता है। तो HDCP कंपैटिबल HDMI 1.4 वर्शन वाला आप जरूर कंसिडर करके देखिए, एटलीस्ट एक पोर्ट वैसा रहता है तो भी ठीक है। एंड उसके साथ 2 to 3 USB 3.0 पोर्ट होना ही है, एंड उसके अलावा तो जनरल जो पोर्ट्स होते हैं तो वो तो रहते ही है, वो बाय डिफॉल्ट, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है HDMI विथ HDCP के कंपैटिबल, एंड वहाँ पर आपको 1.4 वाला वर्शन वाला ही देखना है। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद आपको नेक्स्ट है ऑडियो स्पीकर। तो यूजुअली टीवी का स्पीकर आप इतने ध्यान मत दीजिएगा, 10 वैट्स टू 20 वैट्स अप टू 40 वैट्स तक भी आते हैं, क्योंकि LED डिस्प्ले रहता है तो बहुत ही थिन पैनल बनाए रहते हैं, एंड उसमें आपको बढ़िया एक स्पीकर आउटपुट देने के लिए वो कोशिश करते हैं तो भी इतना भी ठीक नहीं आता है। तो वहां पर आप इससे क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बजट पैसा आप बचा कर बाद में 2-3 मंथ्स के बाद एक साउंड बार ले लीजिए, उसमें आपको विथ सबवूफर एंड एक अच्छा सा स्लीक एंड स्लिम डिजाइन वाला स्पीकर मिल जाएगा 2.1 चैनल का, वो बिल्कुल होम एंटरटेनमेंट को आपको कंप्लीट कर देगा, तो उसमें आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज देखने के बाद नेक्स्ट आपको कंसिडर करना है फुल HD रेजोल्यूशन लेना है या फिर अल्ट्रा HD 4K। अभी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका बजट ज्यादा है एंड आप कंसिडर कर रहे हैं देखने के लिए तो ऑब्वियसली 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट TV ले लीजिए, एंड डिपेंडिंग ऑन आपका रूम साइज जो है उसके ऊपर एंड कितना एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कितना बड़ा साइज चाहते हैं, 42 इंच, 40 इंच या फिर इवन 32 इंचेस भी कंसिडर कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन का रूम साइज कितना है। अगर बहुत ही स्पेशियस है लिविंग रूम तो आपको जरूर एटलीस्ट कंसिडर करना है 42 इंच, अदरवाइज बहुत ही छोटा दिख जाएगा टीवी। एक मॉनिटर डिफॉल्ट एक जो खरीदी करते हैं 21 इंच का कंप्यूटर के लिए मॉनिटर, तो उतना छोटा बन जाएगा वो अगर आपका लिविंग स्पेस बड़ा है तो आप देखिए कि मिनिमम 40-42 इंच कंसिडर कीजिए, अगर आपका छोटा रूम है तो 32 इंच इज मोर देन एनफ आई वुड से। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा अभी कंज्यूमर्स ये भी अवेयर नहीं है कि अभी तक HD रेडी का ले रहे हैं, तो ये बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि बिल्कुल HD रेडी वाला टीवी लेना ही नहीं आप। वो अराउंड 10 to 15 ईयर्स बैक का है वो HD रेडी, और आप अभी भी जाकर 15,000 में मिल रहा है टीवी HD रेडी है लेकर आएंगे, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज कंसिडर कीजिए मिनिमम रेजोल्यूशन फुल HD यानी कि 1920x1080p, तो यही आपको मिनिमम रेजोल्यूशन कंसिडर करना है। अगर उससे ऊपर जाता है 4K अल्ट्रा HD तो वो तो वेलकम ही है। तो ऐसे आप कंसिडर करके रेजोल्यूशन को देखकर आप लीजिएगा टीवी, HD रेडी वाला बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है। एंड नेक्स्ट वन आपको कंसिडर करना है, स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड टीवी लेना चाहिए या फिर जनरल फुल HD LED जैसे नॉर्मल रहता है वो वाला, या अगेन आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इवन अगर आप एंड्रॉयड का ले रहे हैं तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 8.0 है तो ओके, 7.0 है तो भी ओके, एंड वहां पर आप देखिए कि फीचर्स क्या अवेलेबल है, आप मिरर कास्ट कर सकते हैं या नहीं, अपने मोबाइल से मिरर कर सकते हैं या नहीं, वो सारा फीचर्स थोड़ा देख के आप लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स, अगर आप डिटेल में इस टीवी का मॉडल पूछेंगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल ले रहे हैं आप। बहुत बार क्या होता है, आप देखे होंगे एक मॉडल एंड ऑर्डर करने के बाद थोड़ा अगर नंबर बदल देंगे तो दूसरा ही मॉडल मिल जाएगा आपको, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपने जो मॉडल देखा है उसका नंबर नोट डाउन करके वही मॉडल नंबर को आपको लेना है, तभी जाकर आपको एक सेटिस्फाइड बाई होगा, अदरवाइज की
आपको ऑब्वियसली चीट कर दिया जाएगा, तो ये वाला आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो पहले मैंने बताया कि रिफ्रेश रेट विच इज रियली इंपॉर्टेंट, 100 हर्ट्स का आप कंसिडर कीजिए। अगर ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है आपको 100 हर्ट्स का, तो आप बिल्कुल पैसे बचा कर 1-2-3 मंथ्स अगर लेट होता है तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद आप 100 हर्ट्स मिनिमम ही लेना है आपको टीवी। बहुत ही अच्छा मोशन इम्पैक्ट मिलेगा उसमें, एंड जो भी फास्ट पेस्ड मूवीज हो या फिर स्पोर्ट्स हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, एंड इसलिए आपको 100 हर्ट्स मिनिमम वो कंसिडर करना है। एंड नेक्स्ट वन मैंने बताया कि पोर्ट आपको कौन सा देखना है, HDMI 1.4 वर्जन विथ HDCP कंपैटिबल। एंड थर्ड आपको कंसिडर करना है एज लिट या फिर बैक लिट, उसमें आपको बैक लिट यानी कि DLED जो रहता है वो वाला आप कंसिडर कीजिएगा फॉर बेटर रिलायबिलिटी। एंड उसके बाद देखना है स्पीकर, स्पीकर पर इतना ध्यान मत दीजिए आप, बिल्कुल टीवी का जो A+ ग्रेड पैनल रहता है, IPS इनप्लेंट स्विचिंग, वो वाला ही आप लेकर घर आएगा। एंड उसके बाद आपको देखना है एंड्रॉयड टीवी लेना है या फिर स्मार्ट टीवी, एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर स्मार्ट टीवी लेंगे तो भी ठीक है, अगर एंड्रॉयड वर्जन वाला स्मार्ट टीवी लेंगे तो भी ठीक है। एंड उसके बाद आपको देखना है फुल HD रेजोल्यूशन इज द मिनिमम रेजोल्यूशन टू पिक वन। एंड उसके बाद अगर अल्ट्रा HD 4K कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो इतने सारे एस्पेक्ट को आप बिल्कुल सीरियसली कंसिडर करके आप बाई करना है टीवी। तो आई होप कि कुछ इंसाइट मिला होगा इस वीडियो से, अगर है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सी यू ऑल इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।